सो हेलो गाइस, दिस इज फोर्थ एम्पायर। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, जो कि यूट्यूब पे काफी बड़ा हंगामा मचा हुआ है पिछले कुछ दिनों से। इसी बीच कैरी मिनाटी ने एक रिकॉर्ड तोड़ वीडियो बना दिया आमिर सिद्दीकी के रोस्ट के ऊपर। तो फाइनली इस खतरनाक रोस्ट के बाद आमिर सिद्दीकी एक रिप्लाई के साथ आए हैं। और दोस्तों, ये वीडियो क्लियरली रिप्लाई था आमिर सिद्दीकी का एलवेश यादव, कैरी मिनाटी और लक्ष्य चौधरी को। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी है जिससे कि आप लोगों को सारा का सारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या वीडियो है वो। लेकिन उससे पहले आमिर सिद्दीकी ने कैरी मिनाटी और स्काउट की एक वीडियो पोस्ट करी है, वो आप लोग पहले देख लीजिए ताकि आप लोगों को और भी सारा मामला अच्छे से समझ आ जाए। स्वाद आ जाए। सोच रहा था, मेरे को इस टेंजेंट पे था कि बहन सोच रहा था ये बहन का लोड़ा ये दो हरकतें कर सकता है। रोजॉक्स लानी पड़ेगी गाड़ी। हाँ, एक रोजॉक्स ला जा सकती है जो कि बहुत ही एक्सट्रीम केस है। ये बहन जो सुसाइड ये दोस्तों, अब देखते हैं आमिर सिद्दीकी ने क्या कहा है इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो का नाम है आमिर सिद्दीकी रिप्लाई टू कैरी मिनाटी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉकर ट्रेड पीस रिमूव हेट। कैरी मिनाटी रोस्टेड आमिर सिद्दीकी, आपने सब लोग ने ये वीडियो देखा, मैंने भी ये वीडियो देखा, मैंने बहुत सपोर्टिंगली लिया। बट क्या किसी को पता है कैरी मिनाटी ने ये रोस्ट क्यों किया? क्यों मैंने वो आईजीटीवी वीडियो बनाया था, क्यों मैंने वो आईजीटीवी वीडियो डिलीट किया, क्यों मैंने वो आईजीटीवी वीडियो के अंदर बड़े बड़े रोस्टर्स लोगों को टैग किया, मेंशन किया। और वीडियो चालू करने के पहले मैं दो इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर करना चाहता हूं गाइस। ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो मसला चल रहा है, मैं इसको बढ़ाने के लिए नहीं, इसको खत्म करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। और सेकंड चीज, मेरी जो पुरानी आईजीटीवी वीडियो में मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई थी, तो वो गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूं। मेरे को सारे यूट्यूबर्स को नहीं बोलना चाहिए था, मेरे को वो लोगों को डायरेक्टली बोलना चाहिए था जिनके वजह से ये मसले स्टार्ट हुए थे। तो ये मसला कुछ इस तरीके से शुरू हुआ कि कुछ रोस्टर्स ने कुछ लड़कियों को बहुत गंदी तरीके से रोस्ट किया, उनको गालियां दी और उनको बहुत बुरा भला बोला। मैं गालियां बोलूंगा नहीं, आप लोग प्लीज देखिए। हमारे पीछे किराएदार मिला, उसने खूब गंदी शकल, बहुत गंदी शकल किया। उसका नाम पता क्या? रानी, रानी, रानी। मैंने किसी लड़की को बॉडी शेम करा, उसको डंपर बोला। तो भाई देखो यार, डंपर अच्छी चीज होती है, ऐसा नहीं कि डंपर कुछ गलत है। तो ऐसी कुछ रोस्टिंग वीडियोस के बाद वो लड़कियों को लिटरली नेगेटिव डीएम्स, नेगेटिव कमेंट्स और रेप थ्रेट्स आना चालू हो गए। वजह से वो लड़की लोग मेंटली हैरेस हो रहे थे, डिप्रेशन में चले गए थे। तो ऐसे टाइम पे मैंने वो आईजीटीवी वीडियो बनाया उनके सपोर्ट में। तो जब मैंने ये आईजीटीवी वीडियो बनाया तो लोग मेरे को गाली देने लगे। तो मतलब अगर कल को किसी की बहन, बेटी या गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया पे ट्रोल या रोस्ट किया जाएगा, और जब ये आमिर सिद्दीकी अगर स्टैंड लेता है या कोई लड़का स्टैंड लेगा, तो क्या आप उसको छक्का बोलोगे? ये क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं। और हाँ, दूसरों को ब्लेम करने के पहले मेरी भी आईजीटीवी वीडियो में मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई थी, जिसके लिए मैंने सॉरी बोला। मेरे को भी गालियां पड़ी, मैंने वो सारी चीजें पॉजिटिवली लिया। अब जो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मैंने मेरे आईजीटीवी वीडियो में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स लोग को, कैरी मिनाटी को क्यों टैग और मेंशन किया था। तो मैंने इसके लिए टैग मेंशन नहीं किया था कि मैं आपको वो एड्रेस करके गलत बोलना चाहता हूं। बट कुछ टाइम पहले एमटीवी डिजिटल अवार्ड शो हुआ था, जिसके अंदर कैरी मिनाटी वाज अवार्डेड फॉर द बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर सोशल कॉज। और वो टाइम पे मैं आपके बाजू वाले टेबल पे बैठा था लकीली, और आपको वो अवार्ड मिला था सोशल कॉज के लिए। तो मेरा ये मोटिव था कि जब जो इंसान को बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर सोशल कॉज का अवार्ड मिला है, तो वो अपने रोस्टिंग कम्युनिटी के छोटे वो जो यूजर ने रोस्ट किया, यूट्यूबर ने, उसको समझाता, उसको बोलता, ठीक है मेरे को रोस्ट किया, मेरी गलतियों के लिए एक्सेप्टेड। बट आपने क्या वो बंदे के लिए कुछ बोला जिसने लड़कियों को इतना बुरा भला बोला या गालियां दी? इसके लिए मैंने टैग मेंशन किया था, ये मेरा मोटिव था। और थर्ड चीज, मैंने मेरी आईजीटीवी वीडियो डिलीट क्यों की? डिलीट करने का मेन रीजन ये था कि मेरे वजह से बहुत हेट स्प्रेड होने लगा, मेरे वजह से मेरे फेलो क्रिएटर्स को गालियां पड़ने लगी, नेगेटिव डीएम्स और मैसेजेस आने लगे, जिसकी वजह से ये चीजें बढ़ती जा रही थी और रोस्ट वीडियोस बनने लगे और प्रॉब्लम्स और बढ़ते गया। इसके लिए मैंने वो आईजीटीवी वीडियो डिलीट कर दी। जो रोस्टर्स रोस्टिंग के नाम पे गालियां दे रहे, उसको रोस्टिंग नहीं, साइबर बुलिंग बोलते हैं। तो गाइस, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ थोड़ा भी सही बोला है, तो मैं एक हैशटैग चालू कर रहा हूं, जो है हैशटैग आमिर अगेंस्ट साइबर बुलिंग। तो मतलब आगे से अगर कोई भी किसी को रोस्ट करता है या नेगेटिविटी स्प्रेड करता है, तो हमको और आपको मिलके साथ में सब खत्म करना है। और हाँ, कुछ लोग जो बिना सोचे समझे किसी को छक्का, या सामने वाले को तो हर्ट तो होता ही होता है, लेकिन जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है उनको आप हर्ट कर रहे हो, ये कितनी गलत बात है। तो प्लीज गाइस, ये भी बंद कर दो एंड स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग देम एज वेल, क्योंकि वो भी इंसान है, उनको भी बुरा लगता है, तो इनडायरेक्टली उनको भी टॉन्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं, और प्लीज ये नेगेटिविटी खत्म करो। लव यू गाइस।
दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को साफ हो गया होगा कि आमिर सिद्दीकी ने जो कुछ किया वो उनकी इंटेंशन ऐसा कुछ करने की नहीं थी। वीडियो एक अच्छे पर्पस के लिए डाली थी लेकिन कुछ गलत हो गया। इसी के साथ दोस्तों बता दूं, साइबर बुलिंग वाले लोंडों को मेरा एक मैसेज है, बेटा किसी दिन हत्थे चढ़ गए ना तो शरीर के हर छेद को इतना चौड़ा कर दिया जाएगा कि वेल्डिंग करानी पड़ेगी, वो भी गैस वाली। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप करिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल फोर्थ एम्पायर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों पीस आउट।